गांव में कहीं ना कहीं दुख है और रोष भी है। एक मंत्री संतरी सब आलिया आश्वासन दे देते हैं, बनाएंगे और फिर ये का हित ले जाते हैं। ये पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है, पहले मुंडाल में थे, फिर भिवानी में आ गए और अभी दादरी में आ गए। इधर कोई भी हमें ले आता है, कोई कुछ नहीं करता। अपने कह गए आश्वासन दे के चला जाता है, अब मैं ये करूंगा ये करूंगा, और वो करने की आप देख रहे हो। एक पहले तो ऐसा था जी, ये आश्वासन दे देते थे, काम कोई हुआ नहीं। अब इस बार जो अपने विधायक जी हैं वो बड़े सज्जन आदमी हैं, उनसे अभी पूरी आस है कि वो ये काम जो भी कहेंगे वो पूरा करेंगे। गांव में हरियाणा का सबसे टॉप गंडा होता है, लेकिन यहाँ से उसको निकालने का नहीं तो कोई रास्ता है। पूरे कच्चे रास्ते हैं, कोई रोड बना दिया उसको 20 साल तक वो संभालने वाला नहीं है। पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, जमींदार पूरे परेशान है। पानी आता है पूरे चमाच से निकल के, राम वर्षा नहीं, नहर में पानी आया नहीं, वो थोड़ा थोड़ा गन्ना होता है, किसान कहाँ जाएगा। उन्होंने रोडे लाए हैं, खड्डा में घेर दिए, मैंने उस तो ये कही ठेकेदार था भाई इसमें कम तो मट्टी ये करवा दे, ये रोडे मारे टायर हम बैठेंगे, वो भी नहीं करके वो पड़िया सौदा। इतना बुरा हाल तो कितने भी को नहीं। हमारा जो ये जोड़ है बाबा बाछू वाले का, ये बड़ा ही प्राचीन जोड़ है और इसमें काफी गाँव वालों की श्रद्धा थी, और हमारा उन गाँव इस बाबा की दया से ही बसा था। कोई मृत्यु होती है तो हमारे गाँव का बाबा बाछू वाला जोड़ का पानी अपने आप कलर चेंज कर देता है। लक्ष्मीचंद जी करते थे तो गाँव गुआट में करते थे ना, और कहीं भी जब भी आग का पानी मंगवाते थे सब। अपने पास झूठा आश्वासन है, यहाँ है प्रैक्टिकल में सोता भाई सारा है। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज चरखी दादरी के गांव ऊण, और ये ऊण काफी बड़ा गांव है और खंड बोंद में आता है ये गांव, और काफी बड़ा गांव है और वर्षों पहले ये गांव बसा था यहां पे, परंतु इस गांव की लगातार अनदेखी होती रही है। मेरे साथ गांव के बुजुर्ग, युवा, तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। गांव में कहीं ना कहीं दुख है और रोष भी है, रोष यूं है और दुख इस चीज़ का है। पहले तो हम लेके चलते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं साफ तस्वीरों में, ये बाबा ये जो बाछू वाला जोड़ है साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। जब से यहाँ गांव की बसासत हुई थी ये जोड़ लगातार यहाँ पे है, और इसी से पानी पीते थे पहले लोग, और इसी से ही नहाते थे, और ये एक धार्मिक स्थल भी है गांव का। अभी हमारे गांव के मुखिया से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल भी है ये, और इसकी यहाँ पे पूजा करते हैं। और ख़ास बात ये है, चारों तरफ इधर खारा पानी है, इस जोहड़ से पेयजल के लिए आपूर्ति की जाती है गांव के अंदर, परंतु ये जोहड़ बिल्कुल खंडर हो चुका है, चार द्वारी इसकी टूट चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी सरकारें गई, कई सरपंच यहाँ बने और कई सरपंच यहाँ से चले गए, परंतु किसी ने भी इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज गाँव बूंद बूंद के लिए पानी पीने के लिए प्यासा है, कहीं दूर दराज से ये टैंकर भर के पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। पीछे काफ़ी सरकार आई, हर संतरी से मंत्री तक यहाँ के लोगों ने गुहार लगाई, परंतु आज तक किसी भी ना संतरी के ना मंत्री के कानों पे जूरेंगी, और ये जोड़ जैसे के तैसे बना हुआ है। ग्रामीणों ने साफ कहा है, अगर इस सरकार की योजना में अगर इस जोड़ का निर्माण और एक कटेक्सरा का रास्ता है 3 किलोमीटर का कच्चा, जो काफ़ी दूर से यहाँ लोगों को फिर के जाना पड़ता है, वो पक्का नहीं करवाया गया, तो अब की बार वोटों का ये बहिष्कार भी करेंगे। मेरे साथ ये मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, बाबा बताइए क्या नाम है अपना? राजवीर। तो क्या बात है, क्यों नहीं बना ये जोड़? अभी हम दिखा रहे हैं क्या कहाँ समस्या आ रही है, कई सरकारें आई, आज तो ये जोड़ टूटा नहीं आपका? देखो हरेक मंत्री संतरी सब आलिया आश्वासन दे देते हैं, बनाएंगे और फिर ये का हित ले जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, यानी कि बनाते नहीं है। हाँ जी बताइए सर। ये पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है, पहले मुंडाल में थे, फिर भिवानी में आ गए और अभी दादरी में आ गए। इधर कोई भी हमें ले आता है, कोई कुछ नहीं करता। अपने कह गए आश्वासन दे के चला जाता है, अब मैं ये करूंगा, और वो करने की आप देख रहे हो। एक बार देखो उसको पीछे, आश्वासन और करना कुछ नहीं है, कोई भी चला जा, तई बार है वो भी, उसको भी हम आगे दिखा देंगे। विधायक आएंगे तो देखो उसको, इसकी हालत देखो, विधायक जी आज आए हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं हम उनका। वो 25 लाख रुपए जोड़ के लिए अनुदान राशि के लिए बोल के गए, मंजूरी दी है उन्होंने, हम उनका तय दिल से स्वागत करेंगे। अगर इस हमारी धार्मिक धरोहर को वो ठीक करा दें, हमारी पानी की समस्या, पशुओं की पानी की समस्या का अगर निदान करा देते हैं, तो हम उनका तय दिल से स्वागत करेंगे, और हमेशा
तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। जी 25 लाख से काम चल जाएगा आपका इस जोड़ के लिए, ये बताइए आप। जी सर, अगर इतना पैसा मिल गया तो कुछ काम हो जाएगा, लेकिन काम कितना हो जाएगा आपका? कुछ मान लो 70% काम हो जाएगा, जोड़ का 70% काम हो जाएगा मुखिया जी, हो जाएगा। सुनो, काम सात है, 40% काम होगा जी, 40% बाकी सरकार और देगी, हम काम सारा लगाएगा। पंचायत में सरकार की तरफ से तो पैसा आएगा, पंचायत नहीं वैसे अपनी तरफ से भी गाँव इकट्ठा नहीं, चंदा इकट्ठा, हाँ चंदा इकट्ठा करता है। ग्रामवासी भी इस जोड़ के लिए, इस आस्था के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। अब जोड़ का पानी तोड़ दिया गया है, गांव भी छटेंगे, गांववासी हर साल छटते आते हैं, इसको हर आदमी इसमें सहयोग करता है, चाहे अमीर हुआ, गरीब हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी। हाँ, हर आदमी की श्रद्धा है, जिसका जितना भी मौका होगा उतने पैसे भी देगा और अपने सर से भी माटी निकालेगा, ये पूरा गाँव इसके ऊपर वो रजू है। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ऐसा काम नहीं हो सकता। काफ़ी सरकारी आई हैं, काफ़ी पंचायतें गई हैं आई हैं, लेकिन फिर भी गांव को चंदा दे के आज आपका काम करवाना पड़ रहा है, क्या सरकार के पास क्या खजाना खाली हो चुका कि आप वो पैसे दो और यहाँ पे काम करवाया जाए, क्या लग रहा है? अब पहले तो ऐसा था जी, ये आश्वासन दे देते थे, काम कोई हुआ नहीं। अब इस बार जो अपने विधायक जी हैं वो बड़े सज्जन आदमी हैं, उनसे हमें पूरी आस है कि वो ये काम जो भी कहेंगे वो पूरा करेंगे। एक तो हमारे को यहाँ पानी की जो नदी से यहाँ तक जो है पक्का नाला बने, या लाइन दब के आए या पाइप दब के आए, इसका पानी जो है ताजा रहे, जब भी नहर आए इसमें पानी आ जाए, पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है, बार का बार पानी पीने के लिए भी ये आपकी व्यवस्था है। अच्छा मुझे ये बताइए, पाइप लाइन नदी से दब के आए तो कितना खर्चा, ये अलग से खर्चा कितना आना चाहिए? अलग से 4-5 लाख का करीब आ जाएगा कम से कम, पाइप लाइन के लिए 8-7 लाख रुपए में जो है काम चल जाएगा, क्योंकि ये जोड़ है, हम जो है पूरी इसका जो है ना पूरी आस्था है लोगों की, यहाँ पानी पशु भी पीते हैं और जो है पूरे गांव का जो एक धार्मिक स्थल है, और इसको जो है ना हम ये चाहते हैं कि इसमें पानी स्वच्छ रहे, तो स्वच्छ रहेगा तो पशु भी बीमार नहीं होंगे और काफ़ी जो है ना इसकी जो आस्था वो बनी रहेगी लोगों के अंदर, और ये काम होना चाहिए। जी बताइए क्या बोल रहे थे आप अभी? इस गाँव में हरियाणा का सबसे टॉप गंडा होता है, लेकिन यहाँ से उसको निकालने का नहीं तो कोई रास्ता है, पूरे कच्चे रास्ते हैं, कोई रोड बना दिया उसको 20 साल तक कोई संभालने वाला नहीं है, पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, तो ये जमींदार पूरे परेशान है, पानी आता है पूरे चमाशे निकल के, राम बरसा नहीं, नहर में पानी आया नहीं, वो थोड़ा थोड़ा गन्ना होता है, किसान कहाँ जाएगा, आखिर कहाँ जाएगा ये बताइए, कच्चे रास्ते टूटे हुए, ऊपर से पानी नहीं आ रहा, किसान आप करेगा और करेगा क्या? सरकार में क्या रहा आपका? कुछ भी नहीं, गए किसी के पास? गए गांव ने गुहार करी, आखिरकार करे क्या? अगर थोड़ा पानी आता, अगर गांव वाले चोरी करते फिर वो पाइप पाड़ो, सो झंझट हो रहे हैं, रास्ते के लिए हैं, रास्ते के लिए जा रहे हैं, रास्ते के लिए जा रहे हैं, आश्वासन देते हैं बाकी कुछ नहीं करते, हाँ आश्वासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ जी आश्वासन, हाँ जी अब तक तो आश्वासन ही बस है, ठीक है। अच्छा तो मैंने कम से कम भी 10 बार तो शरद कह ली है, ऊपर भी बात कर ली, बनला रहा था वो 1.5 किला बना के चले गए, उन्होंने रोड़े लाए हैं, खड्डा में गेर दिए, मैंने उस तो ये कही थे ठेकेदार भाई इसमें कम से कम मट्टी करवा दे, ये रोड़े मारे टहरा हम बैठेंगे, वो भी नहीं करके वो पड़िया सौदा, इतना बुरा हाल तो कितने भी होनी जो ये मार्केट कमेटी रोहतक की भी आती है इसमें और अपने भिवानी की भी, तो इस करके दूसरा गांव डिस्ट्रिक्ट रोहतक पड़ता है ये, इस करके वो भी सुनाई नहीं कर रहे, ये भी सुनाई नहीं कर रहे, ये सबसे मेन समस्या ये है जी। क्या लग रहा है जी? रास्ता कड़वा के मारा तो ये रास्ता बहुत बहुत विकट समस्या है, आप बताइए भैया। हमारा जो ये जोड़ है बाबा बादशाह वाले का, ये बड़ा ही प्राचीन जोड़ है और इसमें काफी गाँव वाले की श्रद्धा थी, और हमारा उन गाँव इस बाबा की दया से ही बसा था, आज से 700 साल पहले बसा था, और बाबा बादशाह वाला तो काफी हजारों साल पहले से ही है, और इसमें जब भी कोई गाँव में आस्था होता है या कोई मृत्यु होती है तो हमारे गाँव का बाबा बादशाह वाला जोड़ का पानी अपने आप कलर चेंज कर देता है, और हम वापिस आते हैं दाग देने के बाद में तो सही हो जाता है और साफ हो जाता है, और कोई भी ऐसे ऐसे काफ़ी घटना हुई है जो पहले में आदमी को सचेत कर देता है कि वो काम ऐसे करो। अब हमने सारे गाँव ने यही सोचा है कि काफ़ी परेशानी हो गई थी गाँव के अंदर भी, तो बाबा ने कहा भी जोड़ को साफ करो, अच्छा स्वस्थ पानी करो, इसकी चार दीवारी करवाओ, उसके बाद में सारा गांव भी और प्रदेश भी और देश भी सारा उन्नत पर ही रहेगा। हाँ जी क्या क्या बताइए? हाँ यही बात है जो भाई ने बताई है जी। हाँ
तो यहाँ लक्ष्मी चंद पानी पी के जाते, हाँ, जाते थे जी, पानी पीते थे, ये श्यामी वाला कुआ जी, यहाँ पानी पीते थे और बड़ा सांग भी करते थे, स्पेशल करते थे सांग, तो उन्हें कहते थे भाई वहाँ का पानी लाओ, लक्ष्मी चंद पंडित जी करते थे तो गांव गुआंड में करते थे ना, और कहीं भी जब भी यहाँ का पानी मंगवाते थे स्पेशल। भैंस बहती है हमारी, पहले दूध इस पे चढ़ेगा, पहले दार कोई बच्चा नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, पहले इसकी मान्यता है, और एक बेली बांटेंगे गुड़ की, मंगलवार को बेली बटेगी और भैंस का वो, ये है हमारे, कोई हमारी अगर इच्छा है तो वो भी पूरी करता है ये, यानी कि सरकारों ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, सरकार ने नहीं करी, इसी के भरोसे है फिलहाल तक, और आगे आगे सरकार कुछ करती है तो देखते हैं, आगे सरकार करेगी तो कुछ देखेंगे। हाँ जी, यह अच्छा, हाँ जी, अब जो 25 लाख रुपए मिले हैं उनसे भरपाई नहीं होने, 50 लाख की जरूरत पड़े आपको तो क्या कौन ही हो पूरे जोड़ करते हुए एरिया कौन ही होगी, थोड़ी जुर्म हो लेंगे, अगर 25 बोल के गए 50 भी करें, इसका काम पूरा करवाएंगे, हमें भरोसा है काम करवाएंगे। हाँ, ये हमको ये लग रहा है, हमको संतुष्टि हुई है, अब हमारे विधायक जो सोमवीर सामान यहाँ पहुँचा है, उसने हमको जो बातें बताई, जो कहाँ जो उठ के गया है, उससे हम संतुष्ट हैं, और हम कहते हैं बाबा उसको भी आशीर्वाद देना, और हमारे जो पत्रकार आए इनको भी आशीर्वाद देना, धन्यवाद। हाँ विधायक जी, अब जो आश्वासन दे के गए हैं वो पूर्ण करेंगे, और वो हैं भी सज्जन पुरुष, जो व्यक्तित्व से सामाजिक आदमी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो काम पूरे करता है, और विधायक जी झूठ नहीं बोलते, आश्वासन दिया पूरा करेंगे, ये 25 लाख में नहीं होगा तो 50 तक देंगे, लेकिन हमारी जिस जोड़ में श्रद्धा है, सारे गांव की यहाँ पूजा पाठ नहीं है, सारे आदमी जो है यहाँ इसी को मानते हैं, कोई भी समस्या है उनको अंदरूनी भावना से, कोई भी मन से कोई होता है, वो इसी से आके श्रद्धा से मांगते हैं। मानना है आके सोमवीर उठ के गया से बात छुआड़े की दया से, और वो हमारा काम पूरा करवाओगा, हम न्यू मान ले आके बाबा का उम्मीद रखते हैं, हम पूरी पूरी के वो जो है ना बाबा बात छुआड़े की दया से जो हमारा काम पूर्ण करवाएंगे, विधायक ईमानदार हैं, काफी अच्छे से जाए, पहले हम सोच रहे थे हम विधायक के पास पहुंचे, परंतु बाबा की दया ने दया से वो खुद यहीं पर आ गया, बाबा ने खुद बुला लिया, और हमारी पूरी आस्था है बाबा में भी और आप में भी और विधायक साहब कि बाबा काम सारा संपूर्ण बढ़िया होगा, धन्यवाद। हाँ बाबा, काफी देर से खड़े हो, ये ना बाबा प्रथी, तो बाबा काम क्या लग रहा है, लोग कह रहे हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बाबा करेगा मेहरबानी, हाँ करेगा, हमारा तो चली करेगा ना, तो फिर ये लट लिए खड़े हो, अब की बार घुमा देगा। गांव की समस्या जानी, विकट समस्या है, ये धार्मिक धरोहर है इनकी, हजारों वर्ष पुराना बता रहे हैं, गांव भी नहीं, उससे पहले का जोड़ है, और पानी पीने के लिए बड़ी समस्या है। हमारे साथ इस मौके पर विधायक जी भी मौजूद हैं इस गांव में, उनसे भी जानते हैं वास्तव में विकट समस्या है, जब पानी पीने के लिए नहीं होगा तो आखिर इंसान करे क्या गा, तो इस सभी समस्याओं का निवारण के लिए विधायक जी क्या क्या कहेंगे इस बारे में, इनसे ही बात करवाते हैं। सर, काफ़ी समस्या है यहाँ, धार्मिक स्थल बता रहे हैं जोड़ के साथ साथ, और पानी है नहीं, कह रहे हैं 50 लाख के आसपास टोटल खर्चा है हमारा, और एक नदी से पाइपलाइन इधर लगाई जाए पूरा पानी के लिए, एक कटेक्सरा को रास्ता जाने वाला है 3 किलोमीटर कच्चा, काफ़ी फिर के इनको जाना पड़ रहा है, पीछे सरकारों के पास ये बोल रहे हैं हम गए परंतु आश्वासन आश्वासन आश्वासन, अब कुछ आस है तो क्या लग रहा है सर, इनका क्या काम हो पाएंगे? ऐसा है, अपने पास झूठा आश्वासन है, यहाँ है प्रैक्टिकल में सोता भाईचारा है, 25 लाख रुपये तो MP कोटे से यहाँ करवा दिए, 25 लाख तो वो लगेंगे जोड़ में, और इसमें फिर भी कोई कमी बेसी रहेगी, 5-7-10 लाख की, 5-10 लाख की और भी कमी पड़ेगी तो वो भी दिवाऊँगा, और रोड गांव से गांव, तमाम रोड यहाँ या नहीं दादरी हल्के में जितने भी हैं गांव से गांव, और गांव खेतों पे कच्चे रहते उनको भी सरकार से पक्के करवा रहे हैं। विधायक जी साथ हैं, ग्राम वाले काफ़ी खुश हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और तालियां बजा रहे हैं, 25 लाख ऑन द स्पॉट इस जोड़ के लिए विधायक सोमवीर चरखी ने दे दिए गए हैं, बाकी और भी कुछ खर्चा होगा 5-7 लाख का, वो बोल रहे हैं कि पूरा काम बिल्कुल जोड़ का करवाया जाएगा, और जो कटेक्सरा का रास्ता है आश्वासन दिया है बहुत जल्दी पक्का हो जाएगा, क्या लग रहा है जी? भाई साहब हमें पूरा आश्वासन नहीं, हमें प्रैक्टिकल तौर पे लग रहा है कि भाई साहब करवाएंगे, हाँ जी करवाएंगे, और ये एक पहले समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, बाद में MLA बने हैं, इस वजह से ये हमारी सभी परेशानियां दूर करेंगे, देखते कितनी जल्दी इन समस्याओं का निर्माण हो पाता है या नहीं। तो मैं मुन्ना लम्मा, मेरे सहयोगी के प्रिंस लम्मा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।